भाई को थोड़ा ठंडा करना है। उस दिन जो रोस्टिंग हुई थी ना वहीं पे, वो सारा कुछ था सच ही। लेकिन गुस्सा कर गया यार ये, मैंने इसे बोला कि यार क्या इंटरटेनमेंट होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, आप ऐसे गुस्सा करके वो है। मैंने कहा इट वट्टा मार दिया आपके सर पे यार। लो जी वी आर बैक एंड वेलकम बैक होगा तुम सबका न्यू व्लॉग के अंदर। अच्छा होपफुली सारे ठीक ठाक होंगे। तो सबसे पहले भाई जुम्मा मुबारक, आज बहुत मुबारक दिन है भाई आपको, सारों को मुबारक हो और सारों ने पढ़ना है। एक रिक्वेस्ट तो ये होगी और दूसरी रिक्वेस्ट ये है भाई कि जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, जो भाई आप जो भाई न्यू आए हो सब्सक्राइब कर दो काइंडली। मैं आपको रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि आप सब्सक्राइब कर दो भाई। यार आप ऐसे वीडियो देखे जाते हो, मैंने पिछली वीडियो में एक बड़ी अच्छी मिसाल दी थी भाई कि अंडे लेने जाओ आप पैसे ही ना दो, तीन चार दर्जन अंडे लो और पैसे ही ना दो सर्दियों में वो भी, तो अच्छा तो ना लगता है ऐसे। तो यही साहब है भाई वीडियो देख लेते हो आप तो कोई सब्सक्राइब ही नहीं करते, कोई लाइक कमेंट कोई कर दिया करो यार, आपका क्या जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही। तो यार अभी मैं उस जगह पे आ गया था भाई, ये स्कूल के ना बैक साइड पे ही चेक करो आपको पता ही होना, इस जगह के इधर मैं जिम्नास्टिक किया करता था। अब ये दो तीन व्लॉग पीछे मैंने की भी है, जिसने नहीं देखा आप जाके चेक कर सकते हो भाई। जिम्नास्टिक वो जो बैक फ्लिप उल्टी सीधी बाजी आप उठी सीधी, आप मेरा चैनल ओपन करोगे नीचे स्क्रॉल करोगे तो बड़ा कुछ मिलेगा भाई आपको देखने के लिए। इस वजह से कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर दो, इसे मिस ना करना भाई, इसे मिस ना करना। यार आज का सीन ये है कि आज ना कुछ काम है मुझे, मैं फ्री नहीं हुई तो रहने दो फिर, मतलब ज़्यादा जैसे पहले रहता था। मुझे ना आज काम कुछ ऐसे हैं कि आज जाना है सियालकोट भाई पापा के ऑफिस, साथ पापा ने भी जाना है। अभी मैं आपको मिलता हूँ इंशाल्लाह कुछ 10-15 मिनट के बाद, बैठ जाना इंशाल्लाह गाड़ी पे। गाड़ी कुछ जहाज जो नहीं है, कोई प्राइवेट जेट नहीं है भाई मोटरसाइकिल भी जाना, बाइक पे अपना 15 जो सिल्वर वाला है उसी के ऊपर जाना है। और आपको इंशाल्लाह मैं जाते जाते सारों सारी चीज़ों की अपडेट कोई देता जाऊँगा है। चलो फिर अम्मा की नमाज अदा कर ली थी यार फाइनली। तो अभी मैं आपको इसलिए बता रहा था भाई कि मैं आपने तो कहना कि भाई आपने तो सियालकोट जाना था, आप सीधा फिर आ गए इधर। चीटिंग करता है तू। बस वो मैंने 10 मिनट बोला था, उसके बाद प्लान चेंज हो गया था वो, इसलिए कि यार जुमा अभी पढ़ना था वो इम्पोर्टेंट है सबसे। तो अगर तभी निकल जाते ना 10 मिनट बाद तो जुमा छूट जाना था, तो ऐसा तो नहीं करना ना भाई। तो अगर इसके ऊपर और भी फिल्टर लग गया ना तो क्या बात है यार तेरी। अच्छा यार मसला ये है कि भाई ने किया है गुस्सा, अब भाई को थोड़ा ठंडा करना है। उस दिन जो रोस्टिंग हुई थी ना भाई पे, वो सारा कुछ था सच ही। लेकिन गुस्सा कर गया यार ये, मैंने इसे बोला कि यार क्या इंटरटेनमेंट होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, आप ऐसे गुस्सा करके वो है। मैंने कहा इट वट्टा मार दिया आपके सर पे यार, जो आप गुस्सा कर रहे हो है यार, कोई सच वगैरह नहीं था, वो सब झूठ है भी, फेक यार। अच्छा तो बातें बनाया करो ना यार। अच्छा तुम मुझे बता रहे हो गुस्सा ऐसा के झूठ था? हां जी। मैं तेरे साथ नहीं रहा, तेरे साथ खाना नहीं खाया, तेरे साथ काम नहीं किया। नहीं ये तू झूठ बोल रहा है, ए टू जेड तू झूठ बोल रहा है। सारे किबला इधर, किबला इस तरफ, किबला ना कर इधर आ मुंह। ये करके कह के मैंने तेरे साथ खाना नहीं खाया, मैंने तेरे साथ काम नहीं किया, मैंने तेरे साथ कोई टाइम नहीं स्पेंड किया। बोल यार टाइम स्पेंड किया तो और क्या होता है, ऐसी बात नहीं है। अब अच्छा अब गप्पे मारना, इतनी इतनी लंबी छोड़ यार, उन्हें पता है मैं गप्पे नहीं मारना, गप्पे ही मारना है। ना 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 ये बात ऐसी बात नहीं। अच्छा ये बता तुमने गुस्सा क्यों किया बात का? गुस्सा मैंने किया ही। अच्छा अगर ये गप होती ना कसम से इसने गुस्सा कभी नहीं था करता, समझ रहे हो? ये भी देख लो, अगर ये झूठ होता ना तो इसने गुस्सा कभी नहीं था करना। ब्लॉग देख के तो इसकी फट रही थी नीचे से, इसका जो मैंने ब्लॉग बनाया था ना, जैसे जैसे देख रहा था भाई इसकी इसके रंग सारा लाल, ऑलरेडी लाल है कितना। तो यार अभी फिर ये देखो कह रहा है मेरे पे रोस्टिंग कर रहे हो यार, नहीं रोस्टिंग करता, लव यू हो गया, लव यू हो गया, लव यू हो गया यार, बिस नहीं कर रहा तुझे यार, तो भाई है ये देख, नहीं ये देख ये अपनी थैंक्स लव यू अपनी गाल पे तो लगा मक्खन लगा रहा हूँ, ये देख लो है फिर। ओके फिर यार चल भाई।
मार छोड़ो फिर मन मार भाई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब भाई सही बात है, जब आप थैंक यू हो गया, आपका लव यू हो गया। कि आपको जैसे मैंने बताया था कि भाई सियालकोट की तैयारी है, फिर मैंने जाना था पापा के साथ, तो मेरा माइंड था कि भाई पापा को पता तो चल ही गया व्लॉगिंग करता लड़का, तो क्यों ना भाई पापा भी साथ होंगे तो व्लॉगिंग की जाएगी, जाते आते जिधर भी रुकेंगे स्टे करेंगे, जो अभी काम है सारा कुछ आपको दिखाया जाएगा। कॉल आई मुझे एक, जैसे थोड़ा सा आगे गया तो पापा ने वो नहीं अटेंड करने दी, भाई बाइक चलाओ ध्यान से, फोन कोई नहीं निकालना, मुझे पकड़ा दे पीछे। मैंने कहा भाई ये लो, मैं तो कुछ और सोच के निकला था, तो ये क्या हो गया इधर यार। जितने भी काम किए, जितना भी सारा कुछ किया, आउट ऑफ कैमरा यार कुछ भी रिकॉर्ड नहीं मैं कर सका, हालत बहुत बुरी हो गई थी मेरी सारे, मतलब फिर के लाइनों में खड़ा होना पड़ा था मुझे काउंटर पे, मतलब ये बहुत बहुत ज्यादा काम थे, तो इस वजह से यार व्लॉगिंग उधर नहीं हुई, तो मैं तो बड़े गुस्से से यार लत पत हुआ वहां के सारा। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम से, बहुत सारा मेरा दिन भी जाया गया, सारा दिन भी जाया गया मेरा, और व्लॉगिंग के नाम पे भाई ठेंगा मिला। चल कोई बात नहीं, चलता है कभी कभी हो जाता है ऐसा इंशाल्लाह। आप आज के लिए फिर इतना ही, आप जिसने सब्सक्राइब नहीं किया आप आए हो भाई न्यू, अगर तो सब्सक्राइब कर दो, अगर आप व्लॉग के एंड तक आ गए हो। वैसे जैसा आज व्लॉग था आपने एंड तक कहाँ पे आना था भाई, या आपने कोई एक मिनट का आधे मिनट का देख के तो छोड़ जाना था। मेरे जैसों के साथ ऐसे ही होता है भाई न्यू व्लॉगर्स के साथ, क्या जिंदगी उसकी भी, जितनी मेहनत करते हैं बेचारे कुछ भी असर नहीं आता स्टार्टिंग से। खैर अब भी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छे से अच्छे व्लॉग में, अच्छी से अच्छी वीडियो में। ओके फिर।